राजस्थान कांग्रेस में मची आंतरिक कलह अब अपने चरम पर है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब बात जुबानी जंग से जूता दिखाने तक पहुंच चुकी है। ताजा मामले में गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ जूता उछाला गया और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर के बावन घाटों पर होना था। इसी कार्यक्रम में पुष्कर के मेला ग्राउंड में एमबीसी समाज की सभा में जैसे ही मंत्री अशोक चांदना भाषण देने के लिए आए, लोगों ने जूते और अन्य सामान फेंकना शुरू कर दिया। साथ ही सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही अशोक चांदना के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की गई। मंच पर जैसे ही अशोक चांदना भाषण देने के लिए आए, उपस्थित भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और अशोक चांदना की तरफ लोग जूते और अन्य सामान फेंकने लगे। इसके बाद पायलट समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया, लेकिन पायलट समर्थक इसके बाद भी नहीं माने तो खेल मंत्री को बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जैसे ही मंच पर भाषण देने के लिए आई तो पायलट समर्थकों ने उनका भी विरोध करना शुरू कर दिया। मंत्री शकुंतला रावत ने करौली में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नाम पर कॉलेज खोलने की घोषणा की, लेकिन समर्थकों ने उनको भी भाषण नहीं देने दिया। हालांकि इस समारोह में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं पहुंच पाए। इस दौरान कर्नल बैसला जिंदाबाद के भी नारे लगातार लगते रहे। पायलट समर्थक नारे लगाते हुए मंच की तरफ बढ़े तो हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने बमुश्किल खदेड़ कर माहौल शांत किया। गौरतलब है कि पायलट समर्थक इस बात से नाराज हैं कि पायलट गुट की बगावत के समय खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपने समाज के सचिन पायलट का साथ नहीं दिया, वरना आज सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। बता दें कि साल 2020 में पायलट की बगावत के समय अशोक चांदना ने गहलोत कैंप का साथ दिया था। हाल ही में टोंक जिले में कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक इंद्राज गुर्जर ने भी अशोक चांदना का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार बताया था। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि समाज के गद्दारों को चुनाव में सबक सिखाएंगे। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी सीएम गहलोत पर निशाना साध चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।